रिकॉर्ड करूँगी, मैं केदारनाथ जाऊँगी। तो बहुत ही मुश्किल से हमारा प्लान हुआ है बार बार कैंसिल होते हुए। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन एंड यहाँ से हम लोग जाने वाले हरिद्वार। अरे कमाल की बात, हैप्पी बर्थडे, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तेरे को दो दूंगा। हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं यहाँ पर, अभी हम लोग जा रहे गंगा आरती देखने के लिए एंड उसके बाद वहीं पे हम लोग गंगा स्नान करेंगे एंड वापस होटल आके फिर हम लोग प्लानिंग करेंगे केदारनाथ हमें कैसे जाना है। मैंने टीका लगवाया है यहाँ पर महादेव जी का एंड अभी हम लोग यहाँ पर ही खड़े हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए हम लोग अभी नीचे नहीं जा रहे। हम सोच रहे हैं कि हम लोग वापस आएंगे रात में गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि अभी बहुत भीड़ है, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो कोई ना, थोड़ा सा वेट करते हैं। और डालो, पूरा डालो। उसमें घुमाना है। लगी दूसरी फेंक रहा था, अपनी फेंक दी, बताओ अपनी आइसक्रीम फेंक दी वाली फेंकनी थी। देवप्रयाग जो कि आता है केदारनाथ के रास्ते में और यहाँ पर एक अनोखा संगम हो रहा है जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी का। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। ये जिंदगी में पहली बार ठंड में जा रहा है, बर्फीली जगह कैसा लग रहा है? क्या होगा, कोई डर थोड़ी है, डरे हैं, जिम करें, देख लेंगे। डरे हैं, जिम करें और जरा से मैं कुछ होए तो बीमार पड़े करें। सबके संगम हो रहे हैं, तेरा कब होगा किसी से? अब गिर जाऊंगा ना मैं, तो गिर जाना। अच्छा है, तो संगम तो हो नहीं रहा। ले ले ले, व्लॉग में ले रहा हूँ, फेंक दे, तीनों को फेंको नीचे। दादा को खुला छोड़ो, दादा पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं, पकड़ पकड़ के रखना पड़ता है। अरे यार, एक तो ये रॉबिन भाई के चक्कर में भी परेशान है, इनको उतारो, इनके पैर में अलग टायर लगे, भागते हैं आगे आगे। अरे जल्दी करो यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है, पैसे नहीं मिलेंगे फिर। ये पैसे दो पहले, मांगना भी मत, इतना टाइम लग रहा, काट रही ढंग से। मैंने क्यों हाथ लगा रहे हो? क्यों टेस्ट वो गिर गया था, नजर लग गई, लगा दी नजर। अच्छा। पता क्या, काटने में दिक्कत हुई, शेप अच्छी नहीं है, वैसे अच्छा है, मीठा है। देखो हमको तो कुछ नहीं हो रहा, हम लोग जहाँ पर आए हैं हम लोग सिर्फ पहुंचे गए, अभी नहीं पहुंचे, सिर्फ अभी हम लोग नहीं पहुंचे, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड शुरू हो गई है। यहाँ पे हुए 3:48 एंड हम लोग निकल चुके हैं गौरीकुंड के लिए। वहाँ पर हम लोग नहाएंगे एंड देन हम लोग ट्रैकिंग शुरू करेंगे, तो वीडियो में बने रहना। कितना मजा आने वाला है आप लोगों को, ये कपूर अपने घर से लेके आए, वैसे लेके आए थे बट तो 10 रुपए लग जाएंगे इतने कपूर से। हाँ, फिर भी हम लोग बैकअप के लिए हमने बहुत सारे कपूर खरीदे हैं, तो अपने घर से लेके आना कपूर, क्योंकि ऊपर अगर चक्कर आएंगे या जी खबर आएगा तो आपको कपूर सही होगा। हम लोगों को ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया है यहाँ पे खड़े हुए को एंड 1 आवर और लगने वाला है। बड़ी लाइन है, अभी हम लोग जा रहे हैं कुंड के पास, बहुत ज़्यादा लेट हो गए बट फिर हम लोग ट्राई करेंगे एंड 23 किलोमीटर है यहाँ से केदारनाथ, तो हमें लग जाएंगे ऑलमोस्ट 10 to 12 और भी कितने लग गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्या भाई, मैं सच में
गई है हमारी शुरुआत। वो उठा लेना गोदी, वो भी कह रहा कोई मुझे उठा ले, मुझे उठा ले गोदी। अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है हम लोगों को और कपूर की जरूरत पड़ रही है क्योंकि सांस नहीं आ रहा है। हम लोग अभी तीन कितने किलोमीटर आ चुके, ऊपर चार किलोमीटर पांच आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर। और घोड़े तो मत लेना यहाँ पर, ये देखो कैसे फिसलते हुए जा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है गाइस। घोड़े तो बिल्कुल मत लेना आप लोग। श्री केदार चलो, बहुत तेज तूफान आया, पानी आएगा पता है बहुत तेज। और रेनकोट पहन ले, क्या रेनकोट पहन ले, पानी आने वाला है बहुत तेज, आने वाला है, दो मिनट में आ जाएगा मैं बोल रहा हूँ। हाँ चल ठीक है। तो गाइस निकले भी नहीं हो, पानी आना चालू हो गया, अब सफर और मुश्किल हो चुका है। क्या दिखा रहे हो? जन्नत दिखाओ। किस में भाई मेरे को मिलती ना मैं कर लेता डील, भूलिए नहीं है लेकिन पहले दबाइए बिल्कुल नहीं, पहले इसमें सही से दबाई नहीं तो मेरे को तो अच्छे से दबाने आते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया कि लड़कियां पलट जाती, कभी ये पलट गई तो नहीं पलटूंगी, तू दबा दे सारी, तू दबाई दोस्त नहीं है मेरा, अच्छा तो दोस्त है ना बिल्कुल अच्छा, तू मेरी दोस्त अच्छी नहीं है, तू दबा दे पहले। नहीं बार्टर डील नहीं, चल स्टोन पेपर तैयार कर ले, चल स्टोन पेपर तैयार कर ले, तो आजा चल स्टोन पेपर इधर। किस्मत खराब है तेरी, ये लेकिन ये 10 मिनट वाली चीज कटाओ पहले, ये 10 मिनट वाली चीज कटाओ, कितनी देर, 2 मिनट टाइमर लगा 10 मिनट का, 10 मिनट का टाइमर नहीं लगेगा, इतनी देर में तो मैगी खा के निकल जाएंगे बेटा यहाँ से। दबा थोड़ा तो दिखाने के लिए, दबा जनता को आया भाई, मम्मी ने इसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है कि मेरा ध्यान रखे, चलो और मेरा भी, बाकी कोई ध्यान ही नहीं रख रहा मेरा तो। मेरे पंकज का ध्यान रखता हूँ, पंकज मैं तेरा ध्यान रखता हूँ, तू फोन पकड़ पकड़ के थक गया होगा, ब्लॉग बंद कर दे। कुछ पंकज मैं तो आपका बहुत ध्यान रखती हूँ। फाइनली सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है हम लोगों को एंड ऑलमोस्ट 15 आवर्स हो गए हैं नाउ, फीलिंग लाइक अब नहीं लग रहा है कि थके हुए हैं, अब ऐसा हो रहा है कि अब जल्दी से बाबा के दर्शन हो जाए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, आ गए ना, मिल गए सच में एंड थैंक यू सो मच बॉबी। मैंने जाने से पहले हिम्मत तोड़ दी थी बट इस लड़के ने हिम्मत जोड़ी रखी मेरी और मैं यहाँ तक आई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो अब हम लोग आरती के बाद यहाँ पर खाना खा रहे हैं, बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के जो सामने हमारा रूम है। बहुत ठंड लग रही है और रात के 2 बजे हैं, हम लोग सो गए थे, वैसे तो 11 से 3 होते हैं दर्शन बट हमारे दर्शन उन्होंने बुक किए थे 2 बजे के, तो अभी हम लोग भाग रहे हैं एंड अभी हम लोग बाबा का अभिषेक करेंगे। लोगों का सपना होता है यहाँ आना, लोग आ जाते हैं बट ये अभिषेक करना अपने हाथों से बहुत बड़ी बात है और हम लोगों को ये दर्शन प्राप्त होने वाला है, बहुत बड़ी चीज है। चलो जय श्री केदार। सुबह हम लोगों ने 3 बजे जो दर्शन किए थे उसके बाद मुझे वहाँ पर मंदिर में ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो गई थी, मैं बाहर आ गई थी, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मेरे दर्शन ही नहीं हो पाएंगे, मैं बहुत रोने लग गई थी एंड थोड़ी देर बाद मेरी हिम्मत हुई और फिर मैं गई अभिषेक के टाइम, वो तो हो गए मेरे दर्शन में, तो मुझे लगा था कि मेरे दर्शन ही नहीं हो पाएंगे एंड मैंने बहुत प्यारे दर्शन करे बट उसके बाद मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, मेरे को बिल्कुल सांस नहीं आ रहे थे, बहुत चक्कर आ रहे थे, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है ऑक्सीजन की, तो जो भी आए तो ये चीज़ चेक करके रखना पहले। लक्ष्मी आचार्य जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा से श्री केदार बाबा के दर्शन करने, तो यहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है, अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है बारिश की तरह बट अभी बहुत हैवी स्नोफॉल होने वाला है ऐसा उन्होंने वार्निंग दिया है। देखिए साक्षात महादेव दिख रहे हैं,
पहाड़ था जो महादेव जी लग रहे थे, एंड अभी नहीं ऐसा कुछ भी लग रहा, तो मतलब आरती के टाइम महादेव जी प्रकट हुए थे एंड हम लोगों को बहुत बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ से अलविदा ले रहे हैं, हम लोगों को इतना बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है दर्शन करके, और अब जाने का मन नहीं कर रहा है ना, रोना सा आ रहा है ना। हो सकता है मट बंद होने से पहले हम लोग फिर से आए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। हम लोग केदारनाथ जी से उतर के नीचे आ गए थे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग बद्रीनाथ जी आ गए, और इस बीच में व्लॉग नहीं शूट कर पाई, तो अभी हम लोग बस यहाँ पे दर्शन करेंगे एंड फिर वापस हो जाएंगे। तो मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और कुछ भी अगर आपको डाउट है या कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। लोग को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर ज़रूर करना, ताकि और लोगों तक पहुँचे जो जो केदारनाथ जाना चाहते हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर जाए।